इस टाइम लुधियाना च बुढ़ा दरिया सारे आप जानते हैं, बुढ़ा दरिया काफ़ी पुराना चलता आ रहा है। लुधियाना इस टाइम ओवरफ्लो होकर इसका जो पानी है ये सारा कॉलोनिया में जा रहा है। जी सीवरेज अवस्था है वो ठप्प हो गई है। मेरे टैंकों का पानी डायरैक्ट बुढ़ा दरिया में गिर रहा है, उसको बंद करना चाहिए नगर निगम को। इहदे तो सीधी जी जिम्मेवारी नगर निगम की बनती है, क्योंकि जो मूनसून का सीजन आता है उन्होंने पहला ही सीवर की पाइपा साफ कराना चाहिए है और सीवरेज की सफाई 2 महीने पहले ही करनी शुरू करनी चाहिए है ताकि इस चीज़ तो बचा जा सके, लेकिन नगर निगम वो नहीं करता। खास तौर पर लुधियाना दे विच इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार नूं ये बेनती करूँगा कि जिहड़े नक्शे ऑनलाइन हैगे है इनू टाइम बाउंड करना चाहिए वै, विदिन टाइम ये पास होने चाहिए है। इलीगल सैक्शन का जन्म तां ही होंदा वै जो किसी का नक्शा पास नहीं होंदा। 3-4 महीने लोगों को नक्शा पास कराने कारपोरेशन घूमना पैंदा वै। अगर इसनूं रोकना वै तो इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकना है तो नक्शे जिहड़े टाइम बाउंड पास करने चाहिए। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल तनु शर्मा। मानसून ने जिथे चारे पासे तबाही मचाई हुई है, हर पासे देखो तो पानी ही पानी दिखाई दिंदा होवेगा, फिर चाहे वह हिमाचल होवे, हरियाणा होवे या फिर पंजाब। और उत्थे ही जेकर पंजाब की गल की जाए तो पंजाब के पिछले कुछ दिनों के कई घरों के पानी वड़ गया है। गोडे गोडे पानी है, 5-6 फुट पानी जोड़ा है सड़कों उत्ते विखाई दे रहा है। पता ही नहीं लग रहा कि इस वेले वो दरिया बनया होया है या फिर वो सड़क है। फिलहाल लुधियाना दे विच जिहड़ी है सतलुज दरिया जिहड़ा है वो भी इस वेले पूरी तरह उफान ते है और कई थावां ते तां लुधियाना दे विच पानी जोड़ा है वो घरों के वड़ गया है। फिलहाल साडे नाल मौजूद जोड़े ने समाज सेवी ने लुधियाने तो कृष्ण खरबंदा जी, जो तमाम जानकारी साडे नाल सांझी करनगे कि इस वेले कंडीशन जिहड़ी है लुधियाने दे विच की बनी हुई है, क्योंकि वो लोगों दे विच विचरदे ने। आओ गलबात करते हैं और बातचीत करके उन्होंने नाल पुछदे ने कि की हालात जोड़े ने इस वेले लुधियाने विच बने हुए हैं। सर, सब तो पहला जगबनी ते बहुत बहुत स्वागत। सर, पहला सवाल ये है कि इस वेले जिस तरह नाल लुधियाने दे विच जेकर आपां गल कीती जावे ऑल ओवर पंजाब जी तो सबनों पता है कि इस वेले कंडीशन की बनी हुई है, लेकिन खास तौर पर लुधियाना जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है उत्थे जिहड़ी समस्या इस वेले की बनी हुई है, की समस्या है, क्योंकि सीवरेज की समस्या अक्सर सारे जानते हैं उत्थे कंडीशन जिहड़ी है किस तरह की है। फिलहाल लुधियाना की इस वेले की कंडीशन है? इस टाइम लुधियाना च बुढ़ा दरिया सारे आपां जानते हैं, बुढ़ा दरिया काफ़ी पुराना चलता आ रहा है। लुधियाना में इस टाइम ओवरफ्लो होकर इसका जो पानी है ये सारा कॉलोनिया में जा रहा है, जिसके कारण लोगों को बड़ी भारी मुश्किल का सामना करना पै रहा है। जी सीवरेज अवस्था है वो ठप्प हो गई है। सरकार ने समय समय सिर नगर निगम के अफसरों को हदायतां भी दित्तियां मूनसून आने तो पहला भी, लेकिन अफसरों ने हदायतों का शायद पालन नहीं किया या मौके पर काम नहीं किया। ये सारी अफसरों की ही गलती है। सरकार इसलिए फंड भी मुहैया करा रही है और लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना तो कर ही पै रहा, बाढ़ के कारण करना ही पै रहा है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी के असी सरकार के नाल हाँ। मैं सारिया NGO नूं सारे बेनती अपील कराँगा कि आओ इकट्ठे होकर उत्थे बैठे लोगों की मदद करिए ते सरकार की मदद करिए तां जो इस विपदा चों निकलिया जा सके। खास तौर पर लुधियाना दे विच हमेशा ही बुढ़ा नाला जोड़ा है वो मुद्दा रहा है, चाहे जी मर्जी सरकार ही होवे। बुढ़ा नाला जोड़ा है मोस्टली जी इंडस्ट्रियल एरिया है, इस करके वो पानी जोड़ा है वो कैमिकल सारा उस बुढ़े नाले से जा रहा है, जिस करके लोगों भी परेशानी हो रही है और खास तौर पर गंभीर बीमारियां जो भी डर है कि लोगों को अपनी चपेट में लै सकता है। जो डाइंगा का पानी डायरैक्ट बुढ़ा दरिया में गिर रहा है उसको बंद कराना चाहिए नगर निगम को, तां जी इसका एक निवारण हो सकता है। इस करके कहता सरकार नूं चाहिदा वै कि सख्ती दे नाल वो पानी बंद करान तां जो लोकी बीमारियां तो बच सकन। कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है। बुढ़े नाल दे नाल लगदे एरिया जिन्ने पैंदे है, साडा एरिया भी नाल ही लगदा वै, उत्थे काफ़ी लोगों को हौली हौली कैंसर की बीमारी फैल रही है। इसनूं बंद कराना बहुत जरूरी है। जिस तरह हुण बरसातां मीह जिहड़ी है और काफ़ी मॉनसून जो आया होया है, आपां देखदे ही हां टीवी 'च भी देखदे हां चैनलां 'च किस तरह दे नाल जिहड़ा है पूरी तरह नाल हड़ वर्गी स्थिति जिहड़ी है पंजाब दे विच इस वेले बनी हुई है। काफ़ी लोग जिन्हां नाल तां बीत रही है उही जानदे ने, क्योंकि उन्हां नूं अपना घर छड्डना पै रिहा। कई घर जिहड़े ने ओह ढेरी भी हो गए ने। की लगदा है कि जिस तरह नाल पहलां ही सरकार वल्लों कह दित्ता गया सी, अलर्ट कर दित्ता गया सी कि इन्हां चीज़ां वल बहुत ध्यान दित्ता जावे, सीवरेज खास तौर ते, की लगदा है कि कौन जिम्मेवार ने? क्योंकि लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया है, हर तरह के उत्थे लोग रहंदे ने, इंडस्ट्रीज हर तरह दियां ने। जिस तरह ना पानी उत्थे खड़ा हो जाता है तो नुकसान जिहड़ा है वो आम जनता नूं होवेगा, है ना? की लगता है कौन जिम्मेवार? इहदे तो सीधी जी जिम्मेवारी नगर निगम की बनती है, क्योंकि जो मूनसून का सीजन आता है उन्होंने पहला ही सीवर की पाइपा साफ कराना चाहिए है। जो रोड बनती है उनके लेवल नहीं प्रॉपर करते, वो लेवल वाल ध्यान देना चाहिए ताकि पानी जिहड़ा है वो सीवरेज दे जा सके और सीवरेज की सफाई 2 महीने पहले ही करनी शुरू करनी चाहिए है तो जो इस चीज़ तो बचा जा सके। लेकिन नगर निगम वो नहीं करता जिस कारण ये दिक्कत का सामना करना पैंदा। और एक जो मुद्दा जो काफ़ी चल रहा है पंजाब नशा, पंजाब के विच कई मावां दे पुत्त जिहड़े ने नशे करके जान गवा चुके हैं, है ना। आपां तस्वीरां पंजाब दीआं वख-वख हिस्सियां तो वापस देखण भी मिलदियां ने। की लगता है कि इस मुद्दे नूं लैके की कुछ होर करना चाहिए? नशा मुक्त पंजाब करने सारी राजसी पार्टियां नूं एक स्टेज ते खड़ा होना चाहिए वा। और जिहड़े अपना ताकि तंदुरुस्त पंजाब जिहड़ा वा वो बन सके, किसी मामा के बच्चे जिहड़े है वो वक्त तो पहले ना जा सकन। और खास तौर पर लुधियाना दे विच इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत वड्डा मुद्दा रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है लुधियाना दे विच बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जिहड़े आम जिहड़े जनता होंदी है उन्हां नूं बहुत प्रॉब्लम्स जिहड़ी फेस करनी पैंदी है। इलीगल कंस्ट्रक्शन होए कि तुसीं समाज सेवक हो और तुसीं लोकां दे विच विचरदे रहिंदे हो, तुसीं देखदे रहिंदे हो, लोकां दी समस्या सुणदे रहिंदे हो। की लगदा है कि मुद्दा उसदे उत्थे लोकां दा की है और इलीगल कंस्ट्रक्शन नूं की कुछ जिहड़ा करना चाहिए? मैं आप जी दे चैनल राहीं सरकार नूं इह बेनती करूँगा ਜਿਹੜੇ नक्शे ऑनलाइन ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ टाइम बाउंड करना चाहिए ਵਾ। विदिन टाइम ये पास होने चाहिए है। इलीगल सैक्शन का जन्म ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ नक्शा पास नहीं ਹੁੰਦਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नक्शा पास कराने ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। अगर इसनूं रोकना वा तो इलीगल सैक्शन रोकना है तो नक्शे ਜਿਹੜੇ ਆ टाइम बाउंड पास करने चाहिए है। सरकार ने बजुर्ग लोग ने उन्होंने लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रही है। तुहानू की लगता है तुहाडे अपने नज़रिए दे नाल होर की कुछ एड ऑन हो सकता है जिस दे नाल जिहड़े बजुर्ग होंदे ने उन्होंने बुढ़ापे दे विच वो मदद कर सके? वो जिहड़ियां स्कीम्स ने या फिर अजिहियां चीज़ां जो कि सरकार वालों उन्होंने दित्ती जान तो उन्होंने उस चीज़ का फायदा हो। एक गल तो ठीक है सरकार ऑलरेडी मदद कर रही है, लेकिन मदद जो होर जरूरत है जो मदद काफ़ी नहीं है क्योंकि जिहड़े बजुर्ग बंदे उन्हें 750 रुपये पेनशन है। कई बंदे अपनी दवाई पेनशन के आते ही लैके आते हैं। सरकार नूं इन्हां दी पेनशन वधानी चाहिए है तो इन्हां दा जिहड़ा इलाज है चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे गैर सरकारी हॉस्पिटल है उनकी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सरकार नूं चुकनी चाहिए है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझी करने के लिए। सो साडे नाल लुधियाना तो समाज सेवी कृष्ण खरबंदा जी पहुँचे हुए सन जिन्हों ने तमाम जानकारी साझी की है लुधियाने नाल रिगार्डिंग की समस्या लोगों को आ रही है, खास तौर पर जिस तरह के नाल पंजाब दे विच इस वेले हड़ वर्गी स्थिति बनी हुई है। लुधियाना दे विच जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है जिथे बहुत सारे लोग जिहड़े ने उत्थे रहिंदे ने उन्होंने किहड़ी-किहड़ी समस्या जिहड़ी है फेस करनी पैंदी है। अजिही जदों स्थिति आ जाती है सीवरेज की जिहड़ी उन्होंने प्रॉब्लम आती है। सो तमाम जानकारी जिहड़ी है वो कृष्ण खरबंदा जी वल्लों सांझी की गई है। फिलहाल इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ी स्थिति बनी हुई है सानू हर एक नू एकजुट होकर जिहड़े हड़ प्रभावित जिहड़े इलाके ने उन्हां दे लोकां दे नाल जिहड़ी उन्हां लोकां दी मदद करनी चाहिए है, वाद चढ़ के अगे आना चाहिए है। फिलहाल मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।